जय माई की। चैत्र नवरात्र बस आ ही गया है। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र मनाया जाएगा और इस बीच में जो माँ बगलामुखी के साधक हैं, जो 10 महाविद्याओं के साधक हैं, जो माँ दुर्गा की साधना करते हैं, जो इनकी भक्ति भाव से आराधना करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना होगा, इस पर आज की पूरी चर्चा आधारित है। तो सबसे पहले कलश स्थापन करना होता है। नवरात्र का जो प्रथम दिन है, उस दिन अर्थात 9 अप्रैल को कलश स्थापित किया जाता है। इसको घट स्थापना भी कहते हैं। तो ये घट स्थापना जब की जाती है तो उसका एक विशेष मुहूर्त होता है और इस बार जो मुहूर्त है वो मुहूर्त है सुबह 6:01 से लेकर 10:14 तक। इस मुहूर्त में कलश को स्थापित करना है। अगर नहीं कर पाते हैं इस मुहूर्त में तो आगे कौन सा मुहूर्त है, आगे फिर अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:57 से प्रारंभ होकर 12:48 तक रहेगा। तो इस बीच में भी कलश और घट की स्थापना की जा सकती है। अब यह पहले दिन ही कलश रखना है यह अनिवार्य नहीं है। अगर नवरात्र में आप किसी भी एक दिन की भी कोई साधना पूजा आराधना करते हैं तो एक दिन के लिए भी घट स्थापित कर सकते हैं, अथवा आप सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन की करते हैं तो 3 दिन के लिए भी कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए एक विशेष विधि शास्त्रोक्त बताई गई है, उसी के अनुसार ही कलश स्थापित किया जाना चाहिए। यह विधि जो शास्त्रोक्त मंत्र हैं उनकी आपको दिखाई दे रही है, यह पूरी विधि को आपको विधिवत अपनाते हुए उसका आचरण करते हुए ही कलश स्थापित करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जिस भूमि पर आपको कलश स्थापित करना है उस भूमि को आपको चौका लगाना है, हल्दी या गाय के गोबर का चौका लगाएं। फिर उसके बाद उस भूमि का स्पर्श करें। यह सब मंत्र बताए जा रहे हैं, यह सब मंत्रों के द्वारा ही करना है। तो भूमि का स्पर्श करना है। भूमि का स्पर्श करने के बाद आपको भूमि के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, शुद्ध मिट्टी डालनी है और मिट्टी के ऊपर जौ डालने हैं। मंत्र बोलते जाना है और ये सब करते जाना है। जौ डालने हैं, जौ के ऊपर कलश रखना है। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। तो उस कलश को आपको स्थापित करना है। कलश में फिर जल डालना है, फिर उसमें चंदन डाल देना है। चंदन डाल देने के बाद उसमें सर्वौषधि डालना है, फिर दूबा डालनी है, फिर पंचरत्न, पंचरत्न जो बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं, 5 तरह के रत्न होते हैं, तो वो आपको उसमें डाल देनी है उसी जल में। फिर उसमें थोड़ा सा कुश डालनी है, फिर सप्त मृत्तिका डालनी है, यह भी बाजार में उपलब्ध हो जाती है, फिर एक सुपारी डालनी है, फिर पंच रत्न डालने हैं और पंच पल्लव डाल देने हैं, उसके बाद कुश, उसके बाद फिर सप्त मृत्तिका, फिर सुपारी, फिर पंच रत्न डालना है। इस तरह से इसको पूरा करना है। फिर उसमें कुछ दक्षिणाए का सिक्का डाल देना है। फिर वस्त्र जो कलश है उसके ऊपर या तो कलावा लपेट दें या कोई वस्त्र से उसको आच्छादित कर दें, चारों तरफ से लगा दें। फिर उसके ऊपर पूर्णपात अर्थात जो कलश के ऊपर कोई प्लेट हो, कटोरी हो या मिट्टी का दीपक हो उसको स्थापित करना है। इसको पूर्णपात्र कहते हैं, इसमें चावल भर दिए जाते हैं। उसके ऊपर एक नारियल रखना है। नारियल रखने के लिए जो नियम है वो हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ लोग नारियल का जो जटा है वहां जहां से उसका मुख होता है उसको ऊपर की ओर करके रख देते हैं, ऐसा करने से रोगों की वृद्धि होती है, इसलिए ऊपर की ओर मुख करके नहीं रखना है। हमेशा नारियल को अपने सन्मुख रखना है, तुम्हारे सामने ही उस नारियल का मुख होना चाहिए, इस तरह से नारियल को उसके ऊपर रखना है। फिर जो वरुण इत्यादि देवता है, सप्त समुद्र है, नदियां हैं, ये सभी का आवाहन उस कलश में किया जाता है। उसके मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों को पढ़ते हुए उनका आवाहन करना है। जब इतना सब हो जाता है तो फिर जिस भी किसी देवी की आप आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं,
दुर्गा की हो, पीताम्बरा बगलामुखी की हो, या जिस भी किसी देवी की आप आराधना साधना करना चाहते हैं, उनका ध्यान मंत्र पढ़ते हुए विधिवत उनका आवाहन करना चाहिए, फिर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अगर आप षोडशोपचार पूजन करने में आपको कोई समस्या है या पूरे आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो षोडशोपचार पूजन की कुछ मुद्राएं होती हैं जिनका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन मुद्राओं को दिखाने से भी षोडशोपचार पूजन हो जाता है। तो इस तरह से आपको पूरा पूजन करना है। ये तो हो गई कलश स्थापन की पूरी विधि, कलश स्थापित हो गया। अब कलश स्थापन के बाद क्या करना है, ये सबसे अनिवार्य विषय होता है। तो कलश स्थापन के बाद आपको करनी है जिसकी भी आप साधना, आराधना, भक्ति, जो भी कुछ करना चाहते हैं। कोई मंत्र अगर आपको मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा से प्राप्त है देवी का, तो उसका आप एक निश्चित संख्या में, निश्चित समय के अंदर, निश्चित समय पर जप कर सकते हैं। कम से कम 11,000 जप तो करें ही 9 दिन के अंदर, और अधिक से अधिक अगर 1,25,000 करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या उससे भी ज्यादा करते हैं तो और अच्छा है। तो ये जिस भी किसी देवी की हम साधना आराधना करते हैं उनके मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप मंत्र जप ना करते हुए पाठ करना चाहते हैं तो किसी भी देवी के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, एक निश्चित संख्या में पाठ कर सकते हैं। अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सप्तशती का पाठ देवी को बहुत प्रिय है, तो अगर आप पूरा पाठ करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन पूरे पाठ का एक विशेष क्रम आज हम आपको बताने वाले हैं। अधिकांश जो पाठ करने वाले साधक होते हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तक आती है उसका पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पाठ करने लगते हैं। इतना पूरा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, उसके पाठ का जो क्रम है वह निर्धारित क्रम है, उतना करेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। जैसे पाठ को प्रारंभ करने से पहले गणेश और बटुक भैरव, इनके मंत्र की एक एक माला करना होती है। कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, गणेश और बटुक भैरव का, उसकी एक एक माला करें। फिर कवच, अर्गला और कीलक, इन 3 स्तोत्रों का पाठ करें। इनको करने के बाद फिर नवार्ण मंत्र का विधिवत जप करें, विनियोग न्यास ध्यान करते हुए जो उसमें दिया है पुस्तक में, उसके अनुसार आप उनका जप करें नवार्ण मंत्र का। फिर उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करें। यह करने के उपरांत फिर आप सप्तशती के न्यास करें, जो उसमें न्यास दिए हैं उन न्यासों को करें, और न्यास करने के उपरांत फिर जो पूरे 13 अध्याय हैं उन 13 अध्यायों का विधिवत लय सहित पाठ करें। इस पूरे 13 अध्याय के पाठ को करने के उपरांत नवार्ण मंत्र का जप की जो विधि दी है उसका विधि पूर्वक आपको जप करना चाहिए, और जप करने के उपरांत फिर आपको तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना है। तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करने के बाद फिर 3 रहस्य अंत में दिए गए हैं उनको पढ़ना है, और उनको पढ़ने के बाद जो क्षमा प्रार्थना दी गई है उसको पढ़ना है। बस इतने में आपका पूरा सप्तशती का क्रम हो जाता है और आपको पूरा लाभ मिलता है। यह बिल्कुल ऐसा पाठ है जिसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस क्रम में कुछ और जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पूरा पाठ है शुरू से आखिरी तक, इसको आपको संस्कृत में ही करना होगा, तभी वो अनुष्ठान के रूप में माना जा सकता है। अगर आप उसे केवल हिंदी में पढ़ते हैं तो यह आपकी भक्ति और श्रद्धा का विषय तो हो सकता है, लेकिन अनुष्ठान के रूप में उसको नहीं लिया जा सकता। अनुष्ठान के रूप में उसको तभी लिया जा सकता है जब आप उसका विधिवत संस्कृत में लयबद्ध तरीके से शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ करें। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, आपको अभ्यास नहीं है, तो आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो भक्ति युक्त करने में ठीक है, किंतु वह अनुष्ठान के रूप में नहीं माना जा सकता। अब जो ये सप्तशती पाठ है उसमें एक क्रम और आता है, वो होता है संपुटित पाठ का। तो जब भी संपुटित पाठ करते हैं
तो उसका एक नियम और बढ़ जाता है। जैसे कि आप जब 13 अध्याय प्रारंभ करने वाले होते हैं तो वहां जिसका भी आपको संपुट लगाना है उस संपुट की एक माला करनी चाहिए। फिर प्रत्येक जो श्लोक शुरू होने वाला है वो शुरू होने से पहले एक बार उस संपुट के मंत्र को बोलना चाहिए, फिर आपको श्लोक पढ़ना चाहिए, फिर आपको 2 बार संपुट के मंत्र को बोलना है, फिर श्लोक पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके पूरा अध्याय करना है और अंत में एक बार आपको उस संपुटित मंत्र को बोलना है। तो इस तरह से पूरा आप इसको संपुटित करके भी पाठ कर सकते हैं। अगर किसी विशेष प्रयोजन से कोई काम प्रयोग कामना के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं तो संपुटित पाठ अवश्य करना चाहिए। अब एक जिज्ञासा नवरात्रि में और होती है सभी की कि हमें व्रत उपवास करने चाहिए तो कैसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है, व्रत उपवास इसलिए किए जाते हैं, भोजन पर इसलिए ध्यान दिया जाता है कि आपकी साधना निर्विघ्नता से हो सके, आपको आलस्य ना आए कुछ ऐसा खा लेने से, आपके पेट में कोई उदर विकार ना हो कुछ अनाप शनाप उल्टा सीधा खा लेने से। तो इसलिए यह निर्धारित किया गया कि फलाहार किया जाए, ये फालतू के पकवान ना खाए जाएं, कि हम साधना आनंद से कर सकें। किंतु आज के समय में क्या हो रहा है, कोई साधना तो करता नहीं है, बस केवल इसी पर पूरा ध्यान लगाए बैठे रहते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और व्रत के नाम पर बहुत सारे पकवान मिठाई मालपुए सब कुछ खाते हैं, आनंद से खाते हैं, आनंद से सोते हैं और फिर कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं, किंतु साधना नहीं करते। अगर साधना करना है तो आपके लिए केवल एक ही व्रत है कि साधना के लिए जो उपयोगी है उसको आप ग्रहण करें और जो साधना में विघ्न डालता है उसका त्याग कर दें, बस यही व्रत और उपवास है। तो इस तरह का केवल खाली व्रत उपवास नहीं करना है, अगर साधना कर रहे हैं तो आपको साधना में जो उपयोगी है उस सबको आपको ग्रहण करना है, चाहे फलाहार हो दुग्धाहार हो वो आप ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह की कोई साधना नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, तो खाली भोजन पर टिके रहना किसी भी साधना में नहीं आता। तो व्रत और उपवास में इस बात का ध्यान रखें। नवरात्रि की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जय माई की।